नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो गाइज, आज से आपका ड्रीम बैच फॉर एचवी पुलिस स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, इसमें हम आपको पूरी बस सिलेबस भी साथ में करवाएंगे कि हम क्या क्या इस आपके पूरी जर्नी के दौरान हम कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखो, जो पुलिस का एग्जाम है, अपने पीवी से पेपर जितने भी देखे होंगे वो लेता था आपका डिपार्टमेंट एग्जाम। इस बार का पेपर जो कंडक्ट करवाएगा वो एचवी पीएससी कंडक्ट करवाएगा और उसमें के जो लेवल रहेगा वो कहीं कुछ हद तक एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट काफी अच्छा लेवल उसका रहने वाला है। तो हमें तैयारी भी उसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, वो किस तरह से हमें पता चलेगा। अब आप सभी को पता है एचवीपीएससी ने अभी क्लास 3 का एक एग्ज़ाम करवाया था, कंडक्टर का एग्ज़ाम। उसमें जो उन्होंने पैटर्न रखा था, आपको बस दिमाग के अंदर वो लेवल भी आपका अपना सेट करके रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या होता था, आपका जो भी पुलिस का एग्जाम था डिपार्टमेंट लेता था तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, जिसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती थी, या फिर मतलब प्रैक्टिस वाले जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती थी, वैसे वैसे चीज़ें आपसे पूछा करते थे। लेकिन जो आपके पास एचवीपीएससी है ना, वो टोटली फैक्चुअल डाटा आपसे पूछेगा। ओके, अब एचवीपीएससी जो आपका एचएस वगैरह का, एलाइड वगैरह का, पीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, सेम अभी वही एजेंसी आपका पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो हमें हमारी तैयारी जो उसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम है दीपक और हम करेंगे आपके साथ ड्रीम बैच की शुरुआत। ठीक है, आप हमारे साथ करेंगे ड्रीम बैच की शुरुआत। अच्छा, अब बात आएगी इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, कुछ आपके टॉपिक आपको पता भी होंगे। आपको मिलेगी आपकी इसमें हिंदी, आपके पास इंग्लिश का आएगा, फिर आपके पास इसमें मैथ होगा, फिर आपके पास यहां पर रीजनिंग इसी बैच के दौरान करवाई जाएगी, रीजनिंग करवाई जाएगी, फिर आपके पास रहेगा एचपी की आपके पास जियोग्राफी और एचपी के करंट अफेयर, ये मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज की हिस्ट्री है या फिर इंडिया की हिस्ट्री है, वो आपकी डिमांड रहेगी कि सर हमें करवानी, मैं आपको तभी करवाऊंगा। या फिर एचवीपीएससी अगर कहीं ना कहीं कुछ आपको पास सैंपल पेपर देगा स्टार्टिंग में के अंदर कि हम यहाँ यहाँ से क्वेश्चन डालेंगे, कुछ डिटेल सिलेबस देगा, तो मैं आपको करवा दूंगा उसको भी। ठीक है, एचपी करंट अफेयर हो गया। फिर आपके पास हिस्ट्री करनी है आपको, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपको बेसिकली हमें मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास मतलब ये मान के चलें कि मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आपको अकेले मॉडर्न हिस्ट्री ही करनी होगी तो कम से कम 7-8 वीडियो उसी की बन जाएंगी आपके पास। ठीक है, मॉडर्न 12 वीडियोस, कम से कम 12 वीडियोस की आपकी लगेंगी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, फिर आपके पास रहेगा पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको आएगा ही आएगा पॉलिटी। ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी करनी है, बेसिकली हम इसमें इंडियन जियोग्राफी ही करेंगे, इंडियन जियोग्राफी ही इसमें करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी इसमें नहीं करेंगे। बस जो आपके पास फैक्चुअल डाटा रहता है वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर कि ये वाले घास के मैदान कहाँ पे हैं, या फिर आपके पास ये वाली नदी कहाँ पे है, ये वाली झील कहाँ पे है, वो वाले फैक्ट हम इसमें कर लेंगे। और इसकी कैपिटल वगैरह कहाँ पे है, इस कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ में भाई करंट अफेयर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एचवीपीएससी के फेवरेट टॉपिक क्या रहते हैं, करंट अफेयर्स और एचपी की हिस्ट्री, एचपी का और करंट अफेयर इनके फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेगा। अब करंट अफेयर भी हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा स्मार्टली इनमें वर्क करेंगे। जैसे कुछ आपके पास न्यू अपॉइंटमेंट हुई होगी या फिर स्पोर्ट्स वाले आएंगे, या फिर कोई हम आर्मी की एक्सरसाइज कोई कंडक्ट करवा रहे हैं कि भाई बताओ समुद्र शक्ति किसके साथ होता है, गरुड़ किसके साथ होती है, वरुण किसके साथ होती है, तो वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। ओके, और इसमें बहुत और भी कुछ बनेगा, जैसे स्पोर्ट्स के हो गए, या फिर नए नए अवार्ड्स होते हैं, कुछ नई नई रिसर्च होती है, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, अब बात है इसके अलावा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कुछ रहा तो नहीं, रीजनिंग, एचपी हो गया, इंडिया हो गया, और इसमें कुछ तो शायद नहीं रहा, हम ये सारी चीज़ें अब इसमें हम कवर करेंगे। साइंस एक और हमारे पास टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका साइंस, ये छूट गया था भाई, ये भी आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। कुल मिला के जो आप अभी हमारा ये बैच स्टार्ट होगा ना, ये वर्थ इट रहेगा अगर आपने हमारे साथ स्टार्टिंग से तैयारी कर ली। कुछ समय आपको हमें देना पड़ेगा। ओके, आप स्टार्टिंग में पहली वीडियो देख के मत बोल देना कि नहीं नहीं ऐसा सर मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, जो हम लाइव क्लासेज में कनेक्शन फील करते थे, नहीं, एक बार समय दें। लाइव क्लासेस कब होंगी, जब आप प्रैक्टिस के लिए, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना उसकी लाइव क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस की लाइव क्लासेस चलेंगी। शाम को हम अभी भी लाइव सेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो उसमें आपको हर एक टॉपिक, लगभग ये सारा टॉपिक तो आपकी कवर हो ही जाएंगे हमारे लाइव सेशन के अंदर ही। ओके, तो लाइव क्लासेस आप प्रैक्टिस के लिए आएँ, और जो आपका डिटेल सेशन रहेगा वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। अभी तो हम क्लास में स्टार्टिंग में दिन की 2 वीडियोस आपको सेंड करेंगे, और उसमें हम स्टार्टिंग करें आपकी मैथ की, और एक हम जीके का टॉपिक लेंगे। अब आप हमें बताएंगे कि हम एचपी जीके से स्टार्ट करें या फिर हमारी पॉलिटी से स्टार्ट करें।
ये आप हमें बताएंगे कि किन से हम स्टार्ट करें, ताकि आपका स्टार्टिंग में एक आपका थोड़ा सा समझने वाली चीज़ भी हो जाएगी और एक आपके पास नोट्स बनाने वाली चीज़ होगी। और एक और बात, नोट्स हमारी वीडियोस के अंदर नहीं मिलेंगे। अगर आप बोलेंगे सर हमें बाद में नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं करवाएंगे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको जो भी नोट्स बनाने होंगे वो खुद से बनाने पड़ेंगे। और नोट्स बनाएंगे एक बार, अब मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि 2 महीने के बाद जब आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस फील होगा कि मेरे पास नोट्स हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी थी। ओके, बाकी कुछ पोर्शन इनको डिटेल किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे अभी हम एक एक चीज़ को अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, अगर आपको मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, अगर उसमें से क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी आपके पुलिस एग्ज़ाम में, वैसे बेसिकली जो इसका सिलेबस होता है वो बताया तो नहीं गया है, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर मैं बता दूँ थ्रूली आपको, तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ाएंगे अपने बैचेज में। परसेंटेज, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और ये परसेंटेज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इससे आप अलग अलग क्वेश्चंस करते, जैसे रेशियो के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, वो भी परसेंटेज के थ्रू करवाएंगे, उसमें देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर को का देखने का मिल सकता है बीच में, जैसे आपके सामने कोई डाटा दे दिया गया होगा और नीचे क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए, ये रीजनिंग से रिलेटेड भी आ जाता है, मैथ में इंक्लूड हो जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया आपका, उसके बाद एवरेज यानी औसत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने यानी कि क्लासेस होंगी आपकी बेसिकली, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस वीडियोस, प्रैक्टिस सेशन, ये सारे आपको एवरेज के बारे में बताए दिए जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये सब पता होगा, लाभ और हानि, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, फिर उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे अपने इस बैच में, फिर उसके बाद इंटरेस्ट यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये सारे अच्छे से पढ़ेंगे। इंटरेस्ट में ये दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद टाइम एंड वर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है, रीजनिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं इसको, और ये आपका मैथमेटिक्स में भी ऐसे इंक्लूड होता है कि मान लीजिए कि कोई एक ही व्यक्ति एक दिन में इतना काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन में इतना काम कर रहा है, तो इकट्ठे मिलेंगे तो वो उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें किस टॉपिक में देखने को मिलेंगे, टाइम एंड वर्क में। उसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा सिंप्लीफिकेशन, चाहे आप बाकी एग्जाम्स देख लो या पुलिस का एग्जाम देख लो, आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, अब इसमें फ्रैक्शन आपके आ जाते हैं, डेसिमल्स इसमें आ जाते हैं, और ये जो एलसीएम एचसीएफ लिखा है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है एक तरीके से। तो सिंप्लीफिकेशन के भी 4-5 टाइप्स तो काफ़ी बनते हैं, लेकिन इसके वीडियोज़ काफ़ी मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, अगर देखा जाए तो इसका ओरिजिन ट्रिग्नोमेट्री से है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री को अलावा आपके इसके क्वेश्चन करवाएंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से, वैसे भी करवाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका 10th में 11th में आपने पढ़ी होगी। मेंसुरेशन काफ़ी अच्छा एक वो बन जाता है, ये भी आप अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एरिया से रिलेटेड आपके 2D फिगर्स हो गए, जैसे सर्कल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एरिया, वॉल्यूम, उससे रिलेटेड आएंगे। फिर अगर 3D फिगर्स देख ली, क्यूबॉइड देख लिया आपने, क्यूब देख लिया, वो सारी चीज़ें इसमें मेंसुरेशन में आपका इंक्लूड की जाएंगी उससे रिलेटेड। बोट एंड स्टीम, धारा वाले क्वेश्चन आएंगे कि कोई बोट इतनी स्पीड से चल रही है, धारा की तरफ चल रही है, धारा से विपरीत चल रही है, वो आपके बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन आ जाएंगे। और लास्ट में आपके एलसीएम और एचसीएफ, आपको पता ही होगा ये सब क्या होता है, लेकिन हम मेन जो हमारा फोकस होगा, आप देखने को आप लगेगा कि ये सिंपल से टॉपिक्स हैं, ये खुद कर सकते हैं, लेकिन बैच में इंक्लूड होने के बाद आपको ये पता लगेगा कि इनको शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे कर पाएंगे, ताकि क्योंकि अब पता है आपको अगर पुलिस का आपका एग्जाम चला हुआ है तो आपने टाइम बचाना होता है, तो किन शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट का कोई होगा कि आपको कोई और पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में कोई और टॉपिक पढ़ना है, तो हम वो भी पढ़ा सकते हैं। तो मेन ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा कोई सिलेबस जो आपको पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेगा।
अभी हमने मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात की, अगर हम आगे चल के इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करें तो देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें इंक्लूड है नाउन, आपका प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन यानी, और वर्ब में हम मोडल्स, जरंड और नॉन फाइनल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे फिलअप्स में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका वाक्य होगा वो कैसे बनेंगे इंग्लिश में, वो सारे थ्रूली हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे मेन आ जाता है इंग्लिश में हमारा टेंस, अगर आपका टेंस आ गया तो आपकी जो पकड़ है वो वॉइस और नरेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाएंगी। उसके बाद हम इडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, और फिलअप जो होता है। तो ये सारा था इंक्लूड हमारा इंग्लिश सिलेबस, और इसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी सिलेबस में क्या चीज़ें आएंगी। ओके, तो अब हम देखेंगे हिंदी सिलेबस के बारे में। तो हिंदी में हमारे पास जो आपके रहेंगे टॉपिक रहेंगे, भाई आपको संधि विच्छेद होगा, इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि संधि विच्छेद होती कैसे है और कौन कौन से तरीके की होती है, जैसे गुण संधि, यण संधि वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। समास के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। कारक समास में एक आपका टॉपिक आता है ना, उसी से आपका कारक वाले भी हो जाते हैं, इसको हमने अलग से भी करवाया हुआ है। वर्ण वाला, इसमें आपका उच्चारण स्थान वगैरह वो सारा कुछ हम वर्ण वाले के अंदर ही देखेंगे, किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, ह्रस्व स्वर, आपका आपके दीर्घ स्वर होते हैं, फिर आपके पास अलग अलग जितने भी हमारे पास रहेंगे वर्णमाला के अंदर जितने भी टॉपिक रहेंगे वो सारे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अच्छा, शब्द में, शब्द रूप में, अपने वाक्य में, इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं। इसमें आपके सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द यानी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द, सारी सारा हम इसमें टॉपिक वाइज में हम आपका इंक्लूड करेंगे। इसमें वाक्य शुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि के, इसे हम इसमें हम आपको कुछ PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, तो वाक्य की शुद्धि और अशुद्धि उसमें आपका हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह सब कुछ कर लिया तो आपका ये वाला टॉपिक आराम से आपका इजीली बन जाता है। फिर आपके पास पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गया, या फिर कोई और भी जिनको आप डेली बेसिस के ऊपर खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे आपका इंग्लिश के अंदर इडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इनको आप हम खुद से कुछ भी नहीं करवा सकते, इनको आपको डेली बेसिस के ऊपर खुद से ही पढ़ना पड़ता है। ओके, तो इनके हम आपको PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर हम आपको डेली बेसिस के ऊपर भी सेंड करते रहते हैं आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो आपका ये वहां से भी हो जाएगा। डेली के 10 क्वेश्चन, 10 आपके वर्ड्स आप यहां से इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश की हम आपको एक बुक PDF की, मतलब बुक की PDF प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइप चीज सब कुछ मिल जाएगा, मतलब जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। फिर प्रैक्टिस से पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे बैच के अंदर करवाया जाएगा। बाकी आपका idioms हो गया, फ्रेज हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, विलोम शब्द, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है, ये सारे सारे आपको, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें से सिर्फ आपको चीजें आपको खुद से याद रखनी ही पड़ेगी। एक और है हमारे यहाँ पे prepositions, इसमें भी छोटा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बाकी जितना भी रहेगा बाकी प्रैक्टिस बेसिस के ऊपर ही आपका रहेगा, ठीक है। बाकी रही बात आपके बाकी सब्जेक्टों की, जैसे आपके पास GK वगैरह का, अब GK हमारे पास बहुत वास्ट होती है, अब GK को जितना करवाते हैं उतना कम है, जैसे आपका HP GK होगा तो उसमें हम जियोग्राफी बेसिकली करेंगे क्योंकि 90 नंबर का ही पेपर आएगा आपको, तो उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी साइंस है आपको करवाने को, देखो साइंस में आपको बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और आपके पास फिजिक्स भी होगी आपको, ओके, और जितना भी सिलेबस कंटेंट रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा, मतलब दोनों लैंग्वेजेस के अंदर करवाया जाएगा, तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके दोनों को हम पैरेलल लेके ही चलेंगे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, रही बात बाकी आपकी इंडिया जीके की, तो उसमें पॉलिटी आपको डिटेल में करवाई जाएगी, हिस्ट्री हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम जितनी हमें ज़रूरत है, मतलब वही है, करवाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ, लेकिन थोड़ा फास्ट तरीके के उसको होगा, लगभग 9-10 वीडियोज़ आपको हिस्ट्री की मिलेंगी कुल मिला के, ठीक है। अगर हम आप बोलेंगे सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही करनी है, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही आपको करवाएंगे, पूरी हिस्ट्री करवानी है तो पूरी भी करवा देंगे। और रही बात आपकी आपका जियोग्राफी की, तो हम आपको इंडियन जियोग्राफी कराएंगे, और बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शाम को आजकल क्लास चल रही है 6 बजे वाली क्लास, 6:30 बजे वाली क्लास, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम आपको करंट अफेयर भी साथ में इंक्लूड करवाएंगे, जैसे कि हमने इंटरनेशनल आपके जो भी आपके पास संस्थाएँ रहती हैं उनके बारे में करवाएंगे, इंडियन के प्रमुख प्रमुख संस्थान कहाँ पे हैं उनके बारे में करवाएंगे, खेलों में एशियन गेम्स होती है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती हैं, अब खेलो इंडिया आपका पैरा गेम्स स्टार्ट होगी, तो उनकी शुभंकर क्या है, कहाँ पर हो रही हैं, किसने कितने मेडल जीते, कौन से रैंक पर आया, ओलंपिक कहाँ पे हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम आपको वहाँ पे करवाते हुए चलेंगे, तो उस वाली वीडियो को आप जरूर देखेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा टॉपिक आपका वही है, उसमें मैं आपको सारे सारा स्टैटिक जीके वहीं भी आपको कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे इंक्लूड करते हैं, आई होप जो आप समझ गए होंगे कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप था, इंट्रोडक्शन और सिलेबस टाइप था, हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर हमें ये वाला टॉपिक भी आप करवा दें,
तो आप बताएं हमें कि सर ये वाला टॉपिक भी करवा दें, आपको करवा दिया जाएगा। अब मैं रीजनिंग का यहाँ पे टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, रीजनिंग के भी आपके पास कुल मिला के बहुत सारे टॉपिक आपके बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है, फिर आपके पास क्लॉक्स बनता है, कैलेंडर बनता है, वो सारे के सारा कुछ उसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और आप मतलब ये है कि आपका और हमारा साथ, मतलब आप खुद से भी आप देखेंगे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपका तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब हमारा साथ दें और आपका सहयोग हमारा सहयोग, आप जैसे बोलेंगे हम आपको वैसा ही करवाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को डिटेल में करवाया गया है, बहुत डिटेल में करवाया गया है, और जहाँ पे आपको लगेगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और करवाएं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इस टॉपिक को और इलेबोरेट करें, या किसी का कोई भी डाउट आएगा तो आप सभी के पास हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, आप हमें इसके बारे में बता दें, तो हम आपके लिए हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर इंक्लूड करते हैं, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। इसके बाद से आपका क्लास 1 क्लास 2 आपके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।